सत्य खबर देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। अरे चैनल पर आए गए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो और यह घंटी भी बजा दियो। मासूमों के साथ हो रही दरिंदगी को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा कड़ा कानून बनाया गया है, फिर भी मासूमों के साथ हैवानियत घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला यमुनानगर के प्रताप नगर से सामने आया है, जहां 4 साल की मासूम घर के नजदीक ही खेल रही थी, तभी पड़ोस का युवक उसे उठाकर ले गया और मासूम के साथ दरिंदगी की। वहीं चाइल्ड लाइन की टीम ने भी मासूम के परिवार से मुलाकात की और परिवार की काउंसलिंग भी की, ताकि बच्चे किसी ट्रामा में ना हो। मैं एक छोटी सी बच्ची है जो लगभग साढ़े तीन साल की है। पेरेंट्स ने बताया कि वो साथ में ही किसी मंदिर में खेल रही थी, वहाँ से वो जो लड़का है वो उसको उठा के अपने घर ले गया और उसके साथ जाके उसने रेप करने की कोशिश किया है, एंड हुआ भी है, मेडिकल में भी उसका पुष्टि हो गई है। तो हम तो बेसिकली इसलिए आ जाते हैं कि बच्ची किसी ट्रॉमा में ना हो, या पेरेंट्स का जो काउंसलिंग करना है वो किया जाए और बच्ची को किसी तरह का कोई ट्रॉमा ना हो, उससे वो निकल सके। ऐसा घर के लोग कह रहे हैं कि वो म्यूचुअली उन्होंने डिसाइड कर लिया था, पहले इसी परिवार की ही लड़की के साथ कुछ उसने गलत करने की कोशिश किया था, बट उसे घर में ही धमका के या उसको घर में ही सेटल कर लिया था, उसका रिपोर्ट नहीं किया गया था। प्रताप नगर पुलिस ने इस मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दिए हैं। 4 साल की बच्ची है, मासूम बच्ची, 4 वर्ष की, उसके साथ एक लड़के ने, संदीप नाम के लड़के ने बलात्कार किया है, कोशिश की है, जिस लड़की को थोड़ी चोट भी आई है। लड़की का मेडिकल करा दिया गया है, बयान 164 CRPC कराए गए हैं और लड़के को राउंड अप किया गया है, जिसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं लड़का बाल भी है, 18.5 वर्ष की उम्र है उसमें, 1/1/2002 का जन्मदिन है लड़के का, मुताबिक रिकॉर्ड है। लड़के का मेडिकल कराया जाएगा और उसके बाद उसको मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया जाएगा। एक तरफ कड़े कानूनों के बावजूद इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, वहीं समाज को ऐसे दरिंदों के प्रति और जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि जैसा कि परिवार ने चाइल्ड लाइन को बताया कि पहले भी इस युवक ने परिवार की एक बच्ची के साथ ऐसे घिनौनी हरकत कर चुका है और उस वक्त अगर सामाजिक दबाव में समझौता ना होता और पुलिस में शिकायत की होती तो शायद आज इस मासूम के साथ ऐसा ना होता। सत्य खबर के लिए यमुनानगर से सुमित ओब्रॉय की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।